और एक वीडियो लेके आ गया गाइस। तो अभी आया हूँ वेज गारोविल्स का, जो गानोल रिवर है, यही गानोल रिवर, और ये जगह का नाम है चिप्रागिरी, और ये पिकनिक स्पॉट है क्योंकि बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को तो शायद ये आवाज़ पानी का आ रहा है। तो ठीक है, हम आगे में जा रहा हूँ, आप लोग को और भी दिखाइए। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये व्यू। आई थिंक आप लोग को आना चाहिए, ये पिकनिक स्पॉट है, आप लोग आ सकते हैं। लेकिन इधर बहुत ट्राइबल आदमी है ज़्यादा। ये देखिएगा कितना खूबसूरत है, देखिएगा आगे में है। और जो ट्राइबल लोग है वो लोग का जो वन गला बोलते हैं क्रिसमस में, वो वन गला का एरिया बना रहा है उधर ऊपर में। तो अभी काम चालू हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट अच्छा से बना रहा है। तो एक्चुअली इधर आने के लिए एंट्री फीस देना पड़ता है, मैं पहले से बनाया नहीं, तो इधर आके जो एंट्री फीस ले लिया मेरा एक आदमी का 10 रुपया करके, तो एंट्री फीस देना पड़ेगा आप लोग को भी। तो अच्छा है, लेकिन अभी काम चल रहा है इसीलिए इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखिए और भी दिखाएगा आप लोग को, जो जो है दिखाने के लिए सब दिखाएगा आप लोग को। और अभी शाम होने वाला है, हम सोच रहे हैं दूसरा और एक स्पॉट में जाने वाला है, लेकिन टाइम होगा कि नहीं मालूम नहीं। देखिए कितना खूबसूरत है, जो पानी का आवाज़ भाई बहुत खूबसूरत है, आवाज़ देख के खुश हो गया मेरा दिल। आप काइंडली विजिट कीजिएगा ये जगह में। मैं आगे में जा रहा हूँ इधर से, तो वो व्यू आप लोग को भी थोड़ा देखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। इधर बहुत जंगल है, तो आप लोग देखते रहिएगा मेरा वीडियो, और भी बहुत अच्छा होगा। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप लोग देखिएगा ये जो व्यू है बहुत खूबसूरत है, आप लोग देखिएगा ये जो व्यू ऊपर में सब बहुत खूबसूरत से बनाया और भी बना रहा है। आप लोग तो कुछ दिन बाद में आइएगा और भी अच्छा लग जाएगा। इधर देखिएगा ये पत्थर का घास हो गया पूरा। मैं इधर से जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए, शायद जा सकेगा कि नहीं मालूम नहीं, आ ही गया। तो देखिए बहुत खूबसूरत है, और देखिएगा व्यू कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। आप लोग आइएगा, आप लोग का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, बहुत अच्छा लग जाएगा। जो पानी का आवाज़ है बहुत खूबसूरत है। तो देखिए मैं इधर तक पहुंच गया, ये व्यू है, पूरा व्यू आप लोग को दिखाया। और एक्चुअली क्या बोलो, ये पानी का जो व्यू है बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। अभी नवंबर हो गया और भी ठंडा होगा क्योंकि ये हिल एरिया है, ये वेज गारोविल्स। आप लोग आइएगा चूरा से आके रुंगराम में, और आइएगा इधर मिल जाएगा आप लोग को। इधर एक गानोल रिवर है, देखिएगा कितना खूबसूरत व्यू है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आप लोग आइएगा और भी हम देखने के लिए आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ और कैसे, क्योंकि एक्चुअली अभी बना रहे ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कंप्लीट होने से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिकनिक स्पॉट है इधर, सब अभी भी पिकनिक कर रहे हैं और भी कुछ दिन बाद में और भी अच्छा होगा। तो ठीक है, और भी आप लोग को कवर कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो देखिए इधर से पूरा व्यू, और एक ब्रिज बना कर रख दिया, गाड़ी भी जा सकता है इधर से स्पॉट में शायद जाएगा। अभी आंध्रा भी होने वाला है, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि उधर एक मेरा साथ अच्छा हो गया अभी, क्योंकि मैं आप लोग को देखाते मैं उधर गिर गया था, मेरा थिंग में भी थोड़ा चोट लग गया, मेरा देखिएगा मेरा शू भी गीला हो गया पूरा, ये मेरा शू पूरा गीला हो गया। और हम दूसरा स्पॉट में ट्राई कर रहा हूँ जाने के लिए, तो देखिएगा गीला हो गया पूरा, मैं गिर गया था, शायद मेरा चोट भी लग गया। आप लोग देखिएगा ये पूरा
चोट लग गया मेरा, तो दूसरा स्पॉट में कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए। ये जो है ये पूरा व्यू है इधर का, हम ऊपर जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा शुरुआत से वीडियो बनाना चाहिए था, हम हमेशा उल्टा ही जाता हूँ, शुरुआत से वीडियो नहीं बनाता हूँ, स्पॉट में आके बाद में उल्टा से बनाता हूँ। तो ये पूरा पार्किंग एरिया, ये पूरा पार्किंग इधर इधर और भी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ शाम होने वाला, मेरे पैर में भी चोट लग गया इसलिए। ये है काउंटर एंट्री का और ये मेन डोर एंट्री का गेट है आने के लिए। ये देखिएगा ये रास्ता है, इधर से आना पड़ता है। हम पहले आ चुके थे ऑलरेडी, इसलिए आप लोग को जाने के टाइम हम दिखा रहे हैं कहाँ से घुसता हूँ, वो भी दिखेगा आप लोग को। इधर आ जाएगा, ये पहुँच ही गया मेन रोड में। एक्चुअली मेन रोड से 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं। ये जो राइट से ये थोड़ा सा आएगा और ये और लेफ्ट से आने से गोरागिरी से आना पड़ेगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ लेफ्ट में, मैं गोरागिरी में जाने वाला हूँ। तो ये मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर है। तो आप लोग कभी टाइम मिलने से आ जाइएगा इधर।